देखो हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर का प्रॉब्लम सेट चल रहा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 3 सम हम लोगों ने कर दिए, वीडियोस देख लेना। आज हम लोग 4th सम से स्टार्ट करेंगे। ये जितने भी सम कर रहा हूं ये सारे के सारे 4 टू 5 मार्क्स के सम है, ओके। ये 2-3 मार्क्स के लिए नहीं आएंगे, डिफिकल्ट सम है, अच्छे से ध्यान देना है तुम्हें। देखो नॉर्मली तुम्हें डिनोमिनेटर का एक बेसिक फंडा पता रहेगा, पता नहीं मुझे याद है तुम्हें, तुम लोगों को पता है कि नहीं। फाइव अपो फाइव प्लस समझो एक्स डिवाइड बाय ए बी। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ये दोनों के बीच में साइन प्लस है, ओके। साइन प्लस या माइनस होगा, प्लस या माइनस। ये ए बी डिनोमिनेटर ये दोनों के लिए होता है, मतलब क्या है, फाइव अपॉन ए बी प्लस एक्स अपॉन ए बी, सही है ना। ये ए बी डिनोमिनेटर दोनों के लिए बनेगा, क्यों, क्योंकि कॉमन डिनोमिनेटर है, ये दोनों के लिए डिनोमिनेटर क्या है, ए बी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग फिर ऐसे लिख देते हैं, सही है। तो बस यही फंडा ये सब में अप्लाई करना है। कैसे, देखो 7x माइनस 2y डिवाइड बाय एक्स वाई, मतलब क्या है कि ये जो एक्स वाई डिनोमिनेटर है ये 7x के लिए भी होगा और 2y के लिए भी होगा। तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अभी देखो एक्स एक्स कैंसल है ना, एक्स वन जा एक्स वाई वन जा वाई, तो क्या आया मेरा आंसर, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 5। ओके ये आ गया। अभी देखो ये साइड में भी सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स वाई डिनोमिनेटर दोनों के लिए भी होगा, तो क्या आएगा, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन y इज इक्वल टू व्हाट, 15, है ना। अभी देखो x वन जा x y वन जा y, ओके सॉरी, तो यहां पे बचा गया 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, 15, ओके। अभी अभी क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर में यहां पे y है और यहां पे x है, यहां पे भी चेक करो, यहां पे भी y है यहां पे भी x है, डिनोमिनेटर में चेक करो, दोनों के डिनोमिनेटर चेक करो, पहले y है यहां पे भी डिनोमिनेटर में y है, यहां पे x है यहां पे भी डिनोमिनेटर में x है ना। तो मैं क्या करता हूं, लेट 1 अपॉन y, देखो मुझे डिनोमिनेटर में वेरिएबल चाहिए क्या, नहीं चाहिए, देखो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, y, और यहां पे भी y, यहां पे डिनोमिनेटर में x, यहां पे भी x, तो मेरा बेसिक फॉर्मूला क्या है, ए एक्स प्लस माइनस बी वाई इज इक्वल टू सी। यहां पे कितना डिनोमिनेटर है क्या, ये बेसिक फॉर्मूला में नहीं है, लेकिन यहां पे डिनोमिनेटर दिया है और दोनों में भी सेम डिनोमिनेटर है। देखो ये हिंट दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे क्या, कब सॉल्व करोगे, 1 अपॉन y इज इक्वल टू m, 1 अपॉन x इज इक्वल टू n, हम लोग जो कंसिडर करते हैं ये कब करना है, डिनोमिनेटर को चेक करना है। देखो y यहां पे डिनोमिनेटर में y, यहां पे x यहां पे भी डिनोमिनेटर में x, है ना, डिनोमिनेटर सेम है। तो मैं क्या करता हूं, 1 अपॉन y को मानता हूं m एंड 1 अपॉन x को मानता हूं n, ओके। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो 7 इंटू 1 अपॉन y है ना, सही है, 7 अपॉन y मतलब क्या, 7 इंटू 1 अपॉन y माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, 5, सही है। देखो 2 अपॉन x मतलब क्या, 2 इंटू 1 अपॉन x, अभी 1 अपॉन y को मैंने क्या माना है, m, तो इसकी जगह मैं लिखता हूं m प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x, 1 अपॉन x को मैंने क्या माना है, n, तो 2n is equal to 5, देखो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेम यहां पे करना है, देखो वो 8 अपॉन y को मैं कैसे लिख सकता हूं, 8 इंटू 1 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x को कैसे लिख सकता हूं, 7 इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू व्हाट, 15, 1 अपॉन y को मैंने क्या माना, n, तो यहां पे लिखूंगा 8n प्लस 1 अपॉन x को मैंने क्या माना, n, तो 7n is equal to what, 15, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में माइनस है, ओके यहां पे माइनस साइन है, तो दो इक्वेशन मुझे क्या मिल गए, देखो मैंने दो इक्वेशन मैंने निकाल दिए, मेरे दो इक्वेशन है 7m माइनस 2n इज इक्वल टू 5, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1, दूसरा है 8m
प्लस सेवन एन इज इक्वल टू 15, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर टू। देखो मैं किसी भी मेथड से ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं, किसी भी मेथड से। तो मैंने क्या चेक किया, देखो नंबर छोटे है, 7 है, 8 है, 2 है, 7 है, 5 है, 15, नंबर छोटे है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करता हूं। तो पहले आएगा d, d इज इक्वल टू क्या आएगा, ये लेफ्ट साइड के सारे नंबर लिख दो, 7, 8 और ये देखो साइन के साथ ये माइनस 2 है, तो यहां पे लिखा माइनस 2, यहां पे 7, ओके। फिर क्या आएगा, डी एम आएगा, सही है। अभी देखो 7 एंड 8 किसका है, देखो m का, देखो 7 8 m का, तो यहां पे ऊपर m लिख देता हूं, माइनस 2 एंड 7, माइनस 2 एंड 7 किसका है, n का, तो यहां पे n लिख देता हूं। देखो dm चाहिए मुझे, क्या चाहिए, dm, तो मैं d में जाऊंगा, n को छुपाऊंगा, तो क्या आएगा, माइनस 2 7, माइनस 2 7, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे ये नंबर आएंगे 5 एंड 15। अभी मैं निकालूंगा dn इज इक्वल टू, अभी देखो डी एन चाहिए ना, तो डी में जाऊंगा, एन को छुपाऊंगा, 7 8 लिखा, 7 8, तो यहां पे क्या आएगा, ये दो नंबर 5 एंड 15। चलो सॉल्व करते हैं इसको, पहले कौन से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 7 7 जा, तो यहां पे लिखता हूं 7 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 8 इंटू माइनस 2, ओके 7 7 जा 49, ये माइनस, देखो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में दो नंबर को साइन अलग है, तो क्या आएगा माइनस 16। अभी बीच में देखो कंटिन्यू माइनस माइनस है, कंटिन्यू माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो कितना आएगा 49 प्लस 16 कितना 65, ओके। अभी ये नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, देखो राइट साइड से स्टार्ट करो, 7 5 जा 7 इंटू 5 माइनस 15 इंटू माइनस 2, 15 इंटू माइनस 7 5 जा 35 माइनस, देखो 15 माइनस 2 कितना आएगा, 15 2 जा 30, ये आएगा 30, लेकिन देखो मल्टीप्लाई में दो नंबर को साइन डिफरेंट है, तो आंसर को भी साइन माइनस। तो देखो बीच में कंटिन्यू माइनस माइनस है, कंटिन्यू माइनस माइनस मतलब क्या होगा, 35 प्लस 30 कितना आएगा 65। अभी इसको भी सॉल्व करते हैं, देखो राइट से स्टार्ट करो, 15 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 5, अभी ध्यान दो 15 7 जा 15 7 जा 105, एक बार चेक कर लो, 5 6 7 8 9 10 यस ओके माइनस 8 5 जा 40 कितना आएगा, 105 माइनस, देखो सिंपल है 105 माइनस 40, देखो यह आ गया 5, अभी 10 में से 4 गया 6, तो आया 65, ओके। अभी मैं क्या निकालूंगा, देखो अभी मैं क्या निकालूंगा, देखो मुझे इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, ये m एंड n, तो n मिलेगा, बाय क्रैमर्स रूल लिखूंगा, बाय क्रैमर्स क्या आएगा, m इज इक्वल टू dm अपॉन d, क्या आएगा 65 डिवाइड बाय 65, देखो तीनों का वैल्यू 65 आया है, 65 65 65, तो 65 अपॉन 65 1 जा, n भी कितना आएगा देखते हैं, dn अपॉन d 65 अपॉन 65 1 जा 65, m इज इक्वल टू कितना आया 1 एंड n इज इक्वल टू भी कितना आया 1, बट तुम लोगों ने m किसको माना था, 1 अपॉन, देखो सब में वेरिएबल कौन से दिए थे, एक्चुअल सब में y and x, x and y दिया था, तो मुझे m and n का वैल्यू चाहिए का सिर्फ नहीं, मुझे x and y का वैल्यू चाहिए, तो मैंने m किसको माना था, m is equal to 1 upon y था, and n is equal to 1 upon x, m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू 1 है, तो लिखा यहां पे 1 अपॉन y, y यहां पे डिवाइड है, ये सड़ गया तो मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू 1 y, y इज इक्वल टू कितना आया 1, एंड n क्या, n को क्या माना था 1 अपॉन x, तो लिखता हूं 1 अपॉन, देखो सॉरी n को मैंने माना था 1 अपॉन x, n का वैल्यू क्या है 1, लिखा 1 अपॉन
x यहाँ पे डिवाइड है, ये सड़ गया तो x 1 into x equal to 1, 1 into x, y का वैल्यू कितना आया 1 आया, और x का भी वैल्यू कितना आया 1 आया। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में जो फोर्थ सम आ उसका सॉल्यूशन हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में फिफ्थ सम, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट सम है ये, 1/2 3x प्लस 4y प्लस 1/5 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1/4। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा दिया है 5/3x प्लस 4y माइनस 2/2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3/2। ओके, अभी ध्यान देते हैं। देखो मैं दोनों भी इक्वेशन को चेक कर लिया, मैंने देखा कि इसका डिनोमिनेटर देखो यहां पे क्या है, ये 2 को फिलहाल छोड़ दो, 3x प्लस 4y यहां पे भी 3x प्लस 4y, यहां पे भी देखो 2x माइनस 3y यहां पे भी देखो 2x माइनस 3y। जब ऐसे सम होते हैं तब हम लोग कंसिडर करते हैं एम एंड एन, ये याद रखना। देखो यहां पे भी डिनोमिनेटर सेम है, यहां पे भी सेम है, यहां पे भी डिनोमिनेटर सेम है, यहां पे भी सेम है, तो मैं कंसिडर करूंगा, मैं इसको लूंगा एन और इसको लूंगा एन, समझे। अभी देखते हैं, पहले तो इसको अच्छे से लिख देते हैं। देखो 1/2 इंटू 3x प्लस 4y ऐसे है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू 1/3x प्लस 4y। देखो इसका मतलब होता है ये कैसे, देखो 1 इंटू 1 1, देखो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू दिस ब्रैकेट, तो यही आएगा 2 इंटू 3x प्लस 4y। समझा मैं क्या बोला, मैंने इसको खाली सेपरेट लिखा है तुम्हारे, मतलब तुम लोगों को इजी पड़े इसके लिए। देखो 1/2 इंटू 3x प्लस 4y इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है। ओके देखो ये 1/2, देखो ये 1, ये 1 ये दोनों के लिए है, तो 1/2 आया इंटू, ये देखो ये दोनों के बीच में साइन क्या है 2 ब्रैकेट 3x प्लस 4y, ये दोनों के बीच में साइन है मल्टीप्लाई, साइन नहीं है मतलब क्या, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो लिखा मल्टीप्लाई और लिखा 1/3x प्लस 4y, ये प्लस लिखा प्लस, अभी 1/5 इंटू 1/2x माइनस 3y, सेम लॉजिक। देखो ये जो 1 है ये दोनों के लिए है, सही है 5 और ये ब्रैकेट है, ये 1 दोनों के लिए है, तो लिखा मैंने 1/5 लिखा, ये दोनों के बीच में साइन क्या है, कुछ भी नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है ना, लिखा मल्टीप्लाई फिर 1/ ये ब्रैकेट। ओके अभी देखो मैं इसको कंसिडर करता हूं एन और इसको कंसिडर करता हूं एन, समझा मैंने क्या बोला, तो लेट 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू एन एंड 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू एन। देखो इसको एम माना इसको एन माना, अभी चलो लिख देते हैं क्या आता है, तो क्या आएगा 1/2n है ना प्लस 1/5n इज इक्वल टू 1/4, ध्यान दो अच्छे से, तो क्या आएगा देखो m इंटू 1 n डिवाइड बाय 2 प्लस n इंटू 1 n डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1/4। ओके अभी देखो यहां पे डिनोमिनेटर सेम है, देखो ये बीच में साइन प्लस है, डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। ओके 5 इंटू m 5m प्लस 2 इंटू n 2n 2 5s आ 10 is equal to 1/4, ध्यान दो अच्छे से, ये बहुत बड़ा जा रहा है सम। देखो ये 10 यहां पे डिवाइड है डिनोमिनेटर में है ना, ये साइड में, ये साइड गया तो कहां पे जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा, कहां पे जाएगा न्यूमरेटर, तो क्या आएगा 5n plus 2n is equal to 10 divided by
फोर। अभी टू से देखो दोनों भी नंबर डिवाइड होते हैं, टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, तो क्या आया देखते हैं, फाइव एम प्लस टू एन इज इक्वल टू फाइव बाय टू। अभी टू यहां पे डिवाइड है ना, ये साइड गया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो टू इंटू फाइव एम प्लस टू एन इज इक्वल टू फाइव, टू फाइव जा टेन एम, टू टू जा फोर एन इज इक्वल टू फाइव। देखो आ गया मेरा पहला इक्वेशन आ गया। देखो ये बेसिक मैथ्स है, ये सब जो भी किया वो बेसिक मैथ्स है, तुम्हें आना चाहिए। ये यहां पे क्या किया देखो, पहले m और n का वैल्यू डाला, फिर मैंने देखा m इंटू वन एम, एन इंटू वन एन, डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर नंबर है, देखो डिनोमिनेटर में नंबर आया है तो नंबर हम लोग चेक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, तो मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, फाइव एम टू एन डिवाइड बाई टू फाइव जा टेन, 1 बाय 4 जैसे वैसे लिखा। अब ये जो 10 है, ये जो 10 है वो डिवाइड है, ये 10 डिवाइड है ना, वो साइड में गया तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब न्यूमरेटर में चला गया। दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो गए, ओके ये 2 यहां पे डिवाइड है, ये साइड आया तो मल्टीप्लाई, तो किया मल्टीप्लाई, ये पहला इक्वेशन आ गया। अभी दूसरा इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करना है, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, फाइव देखो फाइव ऊपर है, फाइव इंटू वन अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू इंटू वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। ध्यान दो अच्छे से, देखो मैंने क्या किया, ये फाइव है वो फाइव लिखा, इंटू ये डिवाइड में है ना, ये डिवाइड में है ना, तो वन अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर वाई, अभी मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो इसको, फाइव इंटू वन फाइव, और ये डिवाइड में ना तो लिखा डिवाइड में, सही है। देखो वापस एक बार देखो मैंने क्या किया, ये करते आ रहा हूं कब से, दो दिन से तो वो यही कर रहा हूं, ओके फाइव अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर वाई को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब होता है ये, ओके फाइव लिखा इंटू वन अपॉन थ्री एक्स प्लस फोर वाई, सेम यहां पर भी किया माइनस थ्री अपॉन टू। अभी इसको मैंने क्या माना था, इसको मैंने माना था एम, तो लिखता हूं यहां पर एम, फाइव एम माइनस, इसको माना था n, तो लिखता हूं टू एन इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। देखो अभी क्या करता हूं, ये डिवाइड में 2 है, ये साइड गया तो मल्टीप्लाई, ये साइड गया तो क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 2 इंटू फाइव एम माइनस टू एन इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा माइनस थ्री, माइनस थ्री टू फाइव जा टेन एन माइनस 4n is equal to minus, आ गया देखो इक्वेशन नंबर 2। देखो मुझे दो इक्वेशन मिल गया, बस अब ये दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके भी बहुत बड़ा समय, बहुत ही बड़ा समय ये तुम्हें आना ही चाहिए। देखो पहले दो इक्वेशन क्या है, 2m plus 4n is equal to कितना था 5, और क्या आया 2m minus 4n is equal to minus 3, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। देखो मैं क्रैमर्स रूल से सॉल्व नहीं करूंगा, क्यों, मैंने पहले तो इक्वेशन को अच्छे से देखा है, कोएफिशिएंट सेम है। देखो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट में हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये जो यहां पे m है ना, तो ये इसका कोएफिशिएंट मैं चेक करूंगा सेम है क्या, अरे हां सेम है, तो मैं इसका ही साइन चेक करता हूं प्लस प्लस। देखो मैंने क्या, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट में हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका देखो जो पहला वेरिएबल है, क्या है पहला वेरिएबल एम, तो यहां पे कोएफिशिएंट सेम है क्या उसके, सेम है, ओके तो उसका ही साइन चेक करो, इसका साइन कुछ भी नहीं है प्लस, इसका भी साइन कुछ भी नहीं है प्लस, तो सेम साइन होता है तो हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशंस को क्या करते हैं सबट्रैक्ट, लेकिन सबट्रैक्शन में क्या होता है वापस नीचे के साइन चेंज करने पड़ते हैं, याद है ना, ओके तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं एन का भी चेक करता हूं, अरे यार एन का भी सेम है, सही है एन का भी सेम है, यहां पे देखो एन है, यहां पे भी एन है, यहां पे उसका कोएफिशिएंट चेक करो सेम है, अरे हां फोर फोर सेम है ना, एन का भी कोएफिशिएंट क्या है सेम है ना फोर फोर, तो मैंने ये दोनों का साइन चेक किया, इसका साइन क्या है और इसका क्या है मतलब दोनों का साइन डिफरेंट है, डिफरेंट साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, एडिशन तो इजी है तो मैं ऐड कर देता हूं, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, चलो ऐड कर देते हैं,
क्या आएगा, 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, 10m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 3, चलो ऐड कर दो, क्या आएगा 20m, ये प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल, देखो अभी 5 माइनस 3 कितना, 5 माइनस 3 कितना 2, अभी मुझे एक बात बताओ 20 यहां पे मल्टीप्लाइड है, ये साइड गया तो डिवाइड होगा 2 अपॉन 20, 2 वन्स आर 2, 2 टेन्स आर 20, तो m इज इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन 10 आया, m का वैल्यू मिल गया। अभी देखो ये जो m का वैल्यू है ना, ये जो m का वैल्यू है मैं किसी भी इक्वेशन में डाल सकता हूं, ये दो में से किसी भी इक्वेशन में मैं डाल सकता हूं, मैं किस में डालूंगा देखो, प्लस है माइनस है, मैं प्लस वाले में डालूंगा आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, माइनस में डालूंगा तो थोड़ा सा तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, प्लस में ही डालो तो पुट m इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, तो 10 इंटू m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 1 अपॉन 10 है ना, 1 अपॉन 10, तो लिखता हूं 1 अपॉन 10 प्लस 4n इज इक्वल टू व्हाट 5, अभी ध्यान दो 10 देखो 10 वन्स आर है ना 10 यहां पे डिवाइड में, यहां पे मल्टीप्लाई में, तो 10 10 कैंसिल, बचा क्या 4n, 4 यहां पे मल्टीप्लाई है, ये सड़ गया तो 5/4, चलो देखो m और n का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू आ गया, n का भी आ गया, लेकिन मुझे m और n का वैल्यू चाहिए क्या, मुझे किसका वैल्यू चाहिए, x एंड y का, तो अभी मैं m का वैल्यू क्या आया 1 अपॉन 10 एंड n इज इक्वल टू 5/4, बट m को मैंने क्या माना था, m क्या था मेरा 1 अपॉन 3x प्लस 4y, ओके, एंड n क्या था मेरा 1 अपॉन 2x माइनस 3y, है ना, स्टार्टिंग में ही मैंने m, ये इसको मैंने m माना था और इसको n, अभी m का वैल्यू क्या आया 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3x प्लस 4y, एंड n का वैल्यू क्या आया 5/4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x माइनस 3y, अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, देखो 3x प्लस 4y इंटू 1, देखो 1 इंटू 4 कितना आता है 4, 1 इंटू 3 कितना आएगा 3, तो 1 इंटू दिस ब्रैकेट क्या आएगा, यही ब्रैकेट आएगा, तो लिखा मैंने 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 इंटू 1 10, देखो एक इक्वेशन मिल गया, इसको मैं मार्क कर देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर अभी 3 देता हूं, पहले 1 इंटू हो गए थे है ना 1 इंटू, अभी इसको 3 दे दिया, अभी इसका क्या आता है देखते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 3y ये ब्रैकेट इंटू 5, 5 इंटू 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4, अभी देखते हैं सॉल्व करो 2 5 जा 10x, 5 3 जा 15y इज इक्वल टू व्हाट 4, देखो ये दो इक्वेशन मिल गया, अभी मुझे इक्वेशन नंबर 4 देता हूं, देखो ये दो इक्वेशन मिल गए, अभी मैं क्या करूंगा, अभी ये दोनों को सॉल्व करूंगा ना तो मुझे x एंड y मिलेगा, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, सम देखो लॉजिकली समझोगे सम बहुत इजी है, लेकिन बस लेंथी बन जाएगा, बहुत बड़ा सम बनेगा ये, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू व्हाट 10, और दूसरा क्या है 10x माइनस 15y इज इक्वल टू 4, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3, ये हुआ इक्वेशन नंबर 4, चलो अभी फाइनली इसको सॉल्व करके मुझे आंसर मिल जाएगा देखो मैं क्रैमर्स रूल से करता हूं, है ना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 15 है, चलो सेम तो नहीं है, तो मैं क्रैमर्स रूल से कर देता हूं, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 3 10 और 4 देखो माइनस 15, ओके ये किसका है x का है, ये किसका है y का है, अभी क्या आएगा d x, हाँ तो d x चाहिए ना, तो d में जाओ x को छुपाओ, क्या आएगा 4 माइनस 15, तो यहां पे क्या आएगा 10, अभी d
वाई, ओके डी वाई चाहिए, डी में जाओ वाई को छुपाओ, यहां पे क्या आएगा 3 10, फिर यहां पे क्या आएगा 10 4 4 4, चलो सॉल्व करते हैं, पहले राइट से स्टार्ट करो, -15 × 3 -10 × 4 क्या आएगा -5। देखो मल्टीप्लाई में दोनों को साइन अलग है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये आएगा माइनस, आंसर माइनस आएगा, ये माइनस लिख दिया, 10 4 = 40। अभी तुम लोग ध्यान दो, माइनस माइनस तो क्या होगा 95 होगा, है ना, प्लस प्लस कर दिया, अभी दोनों को भी साइन क्या है माइनस है ना, इसको भी माइनस इसको भी माइनस, तो आंसर को भी साइन माइनस 85। ओके आगे -15 × 10 -15 × 10 -4 ×, देखो मल्टीप्लाई में दोनों को साइन अलग है तो आंसर माइनस आएगा 150। 4 4 = 16 माइनस माइनस क्या होगा 16, बराबर है, सही है ना, और दोनों को भी साइन माइनस है तो क्या आएगा आंसर को भी साइन माइनस। आगे राइट से स्टार्ट करो, 4 × 3 -10 × 4 3 = -10 × 10 हाँ, अभी देखो कितना आएगा, -88 ठीक है। देखो ये आंसर मेरा रॉन्ग है, एक्चुअली मैंने इक्वेशंस जो निकाले हैं उसमें कुछ तो गड़बड़ है, मैंने जो इक्वेशंस निकाले हैं ना उसमें कुछ तो गड़बड़ है। ये वीडियो तुम लोग ये क्वेश्चन का जो सम है, ये जो मैंने सॉल्व किया है, इसको जरा सेम ऐसे ही करना है, स्टार्टिंग से चेक करते हो मैंने गलती कहां पे की है, वो मेरी गलती फाइंड आउट करो और इक्वेशन को लास्ट में तुम लोग क्रैमर्स रूल से ही सॉल्व करो, चलेगा। क्या गलती किया है मुझे नहीं पता, अभी वो पीछे क्या किया मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन लेकिन तुम लोग फाइंड आउट करो और मुझे बताओ। ओके ये सम का आंसर आता है फाइनली 2, 1, मतलब एक्स का वैल्यू 2 आता है, वाई का वैल्यू 1 आता है, मेरा नहीं आ रहा है, ओके मेरा नहीं आ रहा है, मैंने कुछ तो गलती कर दिया है शायद, ओके ओके तो तुम लोग चेक करो, स्टार्टिंग से चेक करो कि मैंने, देखो मेरा, मुझे लगता है स्टार्टिंग का मेरा राइट है, ये जो बीच का जो स्टेप था ना m is equal value put किया सेकंड वाला, उसमें कुछ तो गड़बड़ किया है, सेम प्रोसेस है, खाली स्टार्ट टू एंड तुम लोग जाओ और मैंने गलती क्या किया वो फाइंड आउट करो, आंसर आना चाहिए x = y = 1, लास्ट में क्रैमर्स रूल ही करना है, ठीक है। चलो ये तुम्हारे लिए होमवर्क ही समझ लो, अगर नहीं समझा तो मैं ये बता ही दूंगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो स्टार्ट टू एंड सम का प्रोसेस पूरा सेम है मतलब मैंने सम का प्रोसेस पूरा राइट किया है, मैंने किधर तो गलती की है वो गलती फाइंड आउट करो, तुम लोग फाइंड आउट करके इक्वेशन राइट करो और फिर लास्ट में क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना, ठीक है।